रायपुर में आज से पहली से पांचवी तक की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। 100% क्षमता के साथ बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। रायपुर के शासकीय स्कूलों में बच्चे कोरोना गाइडलाइन का पालन कर पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे स्कूल आकर बहुत उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ऑफलाइन पढ़ाई में जो मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है। राजधानी में पहली से पांचवी तक की कक्षाओं का संचालन आज से शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि आज हम रायपुर के शासकीय स्कूल में मौजूद है, जहां पर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही बच्चों ने मास्क भी लगाया है और तमाम बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही हम बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, स्कूल काफ़ी लंबे समय बाद खुल गए हैं। आप स्कूल आए, क्या कहना चाहेंगे? हमें स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा। हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्कूल खुले। जैसे कि कोरोना था, स्कूल बंद थे, तो पढ़ाई कैसे होती थी? ऑनलाइन होती थी, वीडियो कॉल में। जो पढ़ाया जाता था वो समझ आता था? हाँ हाँ बिल्कुल, और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इनको पूर्व में भी अनुभव है, जिस प्रकार दो तीन बार जिस प्रकार से हो चुकी है घटनाएं लॉकडाउन के समय, तो बच्चे अभी उस लाइन में ढल गए हैं। अब वो खुद से अलग अलग दूर दूर बैठ करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पहले हम हॉल में खाना खिलाया करते थे, अब उनको हम बाहर मैदान में मंच में तीन चार जगह पर बिठाकर अलग अलग भोजन उनको परोसते हैं और वो बच्चे बड़े आनंद से अपना भोजन पिकनिक की तरह खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। और इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन भी हो रहा है और कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन स्कूल में बराबर करवाया जा रहा है। बच्चे मैदान पर जो हैं वो बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि पहले ये व्यवस्था थी कि कक्षा में बच्चों को बिठाकर खाना खिलाया जाता था, लेकिन अभी मैदानी इलाकों में यानी खुले जगहों पर बच्चे खाना खाते हुए नजर आते हैं। तो अभी जो कोरोना गाइडलाइन का पालन है वो तमाम लोग कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों द्वारा बच्चों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। इसके अलावा बच्चे भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।